दोस्तों, आज इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ कमाल के गैजेट्स जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में और अपनी लाइफ को सुपर एडवांस और इजी बना सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी कमाल के गैजेट हैं, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। दोस्तों, मैं वर्षित और आप देख रहे हैं टेक गैजेट फाइंडर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना, जिससे आप आने वाली कोई वीडियो मिस ना करो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जो हमारा सबसे पहला गैजेट है वो है सैंडविच बाइक। आपने मेटल की बाइक तो देखी होंगी काफ़ी सारी, लेकिन आज आप देखिए एक ऐसी बाइक जिसका फ्रेम वुडन का है। जी हाँ, इस बाइक के कमाल की बात यह है कि काफ़ी अच्छी स्पीड देती है और वुडन का जो इसका पूरा फ्रेम है उसके बावजूद भी काफ़ी सेफ है, और इससे आप काफ़ी बढ़िया स्टंट कर सकते हैं और इस पर आप जो चाहें वैसा एडवर्टीजमेंट अपना डिज़ाइन जो है करा सकते हैं कुछ भी। तो गाइस, है ना, ये काफ़ी कमाल की बाइक। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है एटॉमिक लाइटर। देखिए, नॉर्मली होता क्या है, हम कहीं जाते हैं या कैसे भी, तो हवा में हमारे जो नॉर्मल लाइटर होते हैं उसमें फ्लेम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है जलने में, लेकिन ये जो एटॉमिक लाइटर है, एटॉमिक लाइटर कमाल का है। इसके अंदर कोई ऐसी फ्लेम वगैरह नहीं उठती है, छोटी सी अंदर से आप सिंपली आग निकलती है। इलेक्ट्रिक ये लाइटर है, इसको सिंपली जलाइए और जला के आप चाहे जंगल में ले जाइए चाहे घर में यूज़ कीजिए, मल्टीपर्पज़ ये लाइटर है। तो गाइस, ये लाइटर आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाद गाइस, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है स्टूडियो स्किन। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है गैजेट स्टूडियो स्किन। इसको सिंपली आप अपने किसी भी स्मार्टफोन या लैपटॉप या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खुद भी एक टच स्क्रीन गैजेट है, इससे आप डिज़ाइन बना सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, और इसकी स्पीड नॉर्मल जो गैजेट होते हैं टच स्क्रीन वाले उससे ज़्यादा फास्ट है और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो गाइस, आपको ये कैसा लगा गैजेट एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये अलग अलग साइज़ में अवेलेबल भी है। इसके बाद गाइस, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है R6 रोबो। गाइस, अब आपको घर में यहाँ पे काम वाली रखने की ज़रूरत नहीं है सफाई के लिए, या खुद भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रोबोट है ये काफ़ी कमाल का रोबोट है। सिंपली आप इसको परचेज़ कीजिए, अपने घर का मैप इसके अंदर फीड कीजिए और उसके बाद ये आपके कारपेट पे, फैब्रिक पे या फ्लोर पे, किसी भी तरीके की वुडन फ्लोरिंग या नॉर्मल फ्लोरिंग, पत्थर वाली, फर्श वाली, कैसी भी हो, सब कुछ ये अपने आप क्लीन कर देगा। तो गाइस, है ना, ये काफ़ी कमाल का गैजेट। आपको ये रोबो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। गाइज, एक बारी में रोबोट चार्ज करने के बाद 4 घंटे तक आप इससे सफाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइज, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है ओमनी अल्टीमेट। ये गाइज एक बहुत ही कमाल का पावर बैंक है। इस पावर बैंक को आपको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है एक सोलर पावर बैंक। जी हाँ, ये धूप से चार्ज होता है और इसकी पावर जो है काफ़ी हाई है। इससे आप अपने लैपटॉप को, अपने टैब को, स्मार्टफोन को, सबको चार्ज कर सकते हैं। तो गाइज, आप इसको कहीं भी कैरी कर रहे हो, सिंपली धूप में ये चार्ज होगा और उसके बाद आपके लैपटॉप वगैरह के लिए एक बढ़िया बैकअप देगा। नेक्स्ट जो हमारा गैजेट है गाइस, वो है इकोमो। इकोमो ये जो नॉर्मल से दिखने वाली बोतल है, ये कोई नॉर्मल बोतल नहीं है, ये एक एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी वाली वाटर बोतल है। नॉर्मली हम जब कहीं बाहर जाते हैं तो हमें ऐसे टैप वाटर या कोई भी वाटर पीना पड़ता है, लेकिन ये जो वाटर बोतल है इसकी खास बात ये है कि आप वाटर को सिंपली फिल कीजिए इसके अंदर और ये वाटर को प्योरीफाई कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये एक बोतल प्योरीफायर है जो कि वाटर को आपके प्योरीफाई करेगी, और इसके साथ आपको बैंड भी मिलता है जो इसके रिगार्डिंग आपको डिटेल शेयर करेगा, और आप अपनी एक्टिविटीज़ भी इसके थ्रू बैंड के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। और ये गाइस एक काफ़ी कमाल की हाई क्वालिटी की बोतल है, तो सिंपली इसको परचेज कीजिए और प्योरीफाइड वाटर आराम से आप ड्रिंक कर सकते हैं इसकी हेल्प से। गाइस, हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है वाइज वॉलेट। अब ये जो वॉलेट है काफ़ी कमाल का है, इसके हेल्प से तकरीबन आप 26-27 कार्ड इसके अंदर रख सकते हैं छोटे से दिखने वाले वॉलेट के अंदर। और इसके अलावा इसमें RFID जो है सिक्योरिटी भी दी जाती है। ये बेसिकली आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, तो कहीं ना कहीं अगर ये गिर जाता है आसपास तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। और इसके अलावा और भी सेफ्टी फीचर इसके अंदर दिए गए हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक लाइट भी दी गई है, जिससे आप रात को अगर पैसे निकालते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने कितने पैसे निकाले, तो पैसे निकालते हुए भी आपको इसमें से प्रॉब्लम नहीं होगी अंधेरे में। तो गाइस, ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा एक स्मार्ट वॉलेट है। इसके बाद गाइस, जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है एनीटैग। अब बार बार हम क्या करते हैं, लॉक की अपनी कीज़ जो है वो भूल जाते हैं, लेकिन ये जो गैजेट है ये कमाल का गैजेट है। इसमें बेसिकली क्या होगा, सिंपली आप लॉक लगाएंगे और आपका जो फिंगरप्रिंट है वही आपकी की बनेगी। फिंगरप्रिंट से ये बेसिकली लॉक आपका खुलता है, और ये एक वाटरप्रूफ लॉक है, तो पानी से भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइस, आपको ये लॉक कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके बाद गाइस, जो हमारी नेक्स्ट गैजेट है वो है लूडी केस। टाइम के साथ हमारे जो स्मार्टफोन है वो सेंसिटिव बनते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो आज के टाइम के हिसाब से ये जो केस है काफ़ी कमाल का केस है। ये आपके स्मार्टफोन के लिए एक केस है, LUDI केस, जो आप अपने किसी भी स्मार्टफोन में लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसको बेसिकली काफ़ी प्रोटेक्शन देता है स्मार्टफोन को। इसका इस तरीके से बनाया गया है कि ये प्रोटेक्शन दे। इसके अलावा इसमें पीछे जो है ना, इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आप इसमें फिजिट स्पिनर का भी मज़ा ले सकें। अपने स्मार्टफोन को जब आप इस केस में डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से घूमता है,
और जो ये फिजेट स्पिनर आपका स्मार्टफोन इसकी हेल्प से बन जाएगा वो थोड़ी बहुत दिन देर नहीं बहुत देर तक घूमता रहेगा, तो आपकी प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन हो जाएगी और मस्ती की मस्ती। गाइस हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है मोव केस। ये एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन टैब और लैपटॉप स्टैंड है, छोटा सा दिखने वाला गैजेट जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे इसके ऊपर आप अपने लैपटॉप को टिका सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को टिका सकते हैं, अपने टैब को टिका सकते हैं, राइट। ये छोटा सा गैजेट है, अपने स्मार्टफोन में लगा के ले जाइए और उसके बाद आराम से आप स्मार्टफोन का यूज़ कीजिए। नॉर्मली होता क्या है, अगर हम ऐसे ही नीचे देख के स्मार्टफोन यूज़ करें तो गर्दन दुखने लगती है, लेकिन ये गैजेट वहाँ पर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट जो गाइस हमारा गैजेट है वो है फिज। ये एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी 3D स्कैनर है। इसमें सिंपली आपको अपने स्मार्टफोन को इसके ऐप से कनेक्ट करके इसके अंदर फिट करना होता है और ये किसी भी गैजेट को जो आप इसके अंदर रखेंगे उसको 3D में स्कैन कर लेगा। तो जैसे 3D प्रिंटर आते हैं उसी तरीके का ये 3D स्कैनर है, इसका नाम है फिज। तो गाइस आपको ये कैसा लगा 3D स्कैनर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके बाद गाइस जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है हैंड प्रिंटर। ये छोटा सा दिखने वाला एक हैंडी सा प्रिंटर है जिसको आप जेब में डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, पेपर पे, कपड़े पे, बेल्ट पे, कहीं भी आप स्मार्टफोन के बैक कवर पे इसकी हेल्प से आराम से आप इजीली प्रिंटिंग कर सकते हैं। ये छोटा सा हैंडी सा प्रिंटर है, ब्यूटीफुल सा, जिसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ईजिली अपनी प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो गाइस आपको ये गैजेट कैसा लगा एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। गाइज जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है मैक्स पंप। गाइज मैक्स पंप जो है ये एक छोटा सा यहाँ पर दिखने वाला गैजेट है, छोटा सा पंप है जिसका वेट सिर्फ 150 ग्राम है। ये एक ऐसा पंप है जिसको आप किसी भी चीज़ के लिए, अपने घर में जो रबर के स्विमिंग पूल होते हैं या फिर टेंट है उसको यहाँ पर उसके लिए उसको फुलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़े पंप ना कैरी करके चार्ज होने वाला पंप कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर अच्छी खासी 3600 mAh की बैटरी दी गई है, राइट। और ये पावर बैंक की तरह भी काम करता है आपके स्मार्टफोन के लिए। इसके अलावा इसको सिंपली आप एयर टाइट करने के लिए किसी चीज़ को इससे हवा निकाल भी सकते हैं और इससे हवा भर भी सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ ये काफ़ी कमाल का पंप है। तो गाइज आपको ये पंप कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। इसके बाद गाइज जो हमारा नेक्स्ट गैजेट है वो है स्विफ्ट पॉइंट। ये कमाल का जो है माउस है, छोटा सा ये दिखने वाला हैंडी सा माउस है जिसको सिंपली आपको चार्ज करने के लिए किसी भी और गैजेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक वायरलेस माउस है। इसको सिंपली आप अपने स्मार्टफोन के USB से ही चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करके या कैसे भी आप चाहें तो चार्ज कर सकते हैं। ये काफ़ी फास्ट आपकी स्पीड कर देता है अगर आप इसे यूज़ करना शुरू करें तो, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर ये गाइस माउस है। इसके बाद गाइस फाइनली जो हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट गैजेट है वो है मैकडॉग। ये एक तरीके की यहाँ पे आपके लिए एक स्क्रीन है टैब के लिए जो कि 3 अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है और इसकी हेल्प से आप अपने काम करने की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन या किसी भी चीज़ से कनेक्ट करके इसकी हेल्प से सिंपली क्या होगा कि आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर भी देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मल्टी स्क्रीन चाहिए या फिर आपको चाहिए कि भाई मुझे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चीज़ें देखनी है तो साथ में आप स्क्रीन का भी यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग विंडोज़ इस स्क्रीन में भी खोल सकते हैं, एक लैपटॉप में खोल लिए किसी स्क्रीन में इस तरीके से। तो बस दोस्तों ये थे कुछ कमाल के गैजेट, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।